अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम निकलते हैं अपने काम की तरफ, स्टोर की तरफ। और आज आपको दिखाएंगे शारजा। ये अपना गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और ये चिल एसी, और हम अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो में बने रहें। बस दोस्तों आपसे यही गुजारिश थी कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बट कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो इससे इंसान डीमोटिवेट होता है। पता नहीं चलता कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही। ये हम फिर से अपने निकल रहे हैं और आज आपको पूरा वो दिखाऊंगा मैं डिस्टेंस। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। बस आपसे यही गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे पता चलेगा कि आपको भी वीडियो पसंद आ रही है। तो एक से एक वीडियो और एक से एक जगह दुबई की आपको मैं घुमाऊंगा। यह हम अलजज्जात में है, सामने ग्रीन बेड लेडीज पार्क है और ये हम अलजज्जात से निकल रहे हैं कल्चर स्क्वायर की तरफ, कुरान राउंड अबाउट की तरफ। आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ट्रैफिक ज़्यादा लगा हुआ है, मोस्टली ऑन राउंड अबाउट पर ट्रैफिक ही मिलता है। और ये बहुत फेमस प्लेस है शारजा का, इधर म्यूजियम भी है और गवर्नमेंट के काफ़ी ऑफिसेज हैं और ये बहुत बड़ा जो है राउंड अबाउट है कल्चर स्क्वायर जो है, बड़े राउंड अबाउट में आते हैं। स्टेडियम वाले रोड पे लेके जाऊंगा जहाँ पे शायद आपको याद हो जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था, यास्मीन बिल्डिंग से वाले रोड पर शारजा स्टेडियम, उसी रोड पर जाएंगे और आपको दिखाऊंगा। हलवान से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, क्योंकि आपको पता है चीप गाड़ियाँ और अच्छी गाड़ियाँ नए मॉडल की कंटेनर सारे जो आते हैं शारजा में वो इंडस्ट्रियल एरिया में ही आते हैं। तो ये हम निकल गए राइट पे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। यास्मीन बिल्डिंग वाला रोड, ये यास्मीन बिल्डिंग है, इधर पुरानी शॉप्स बनी हुई है क्योंकि ये ओल्ड शार
बाहर जाए, मतलब इधर बिल्डिंग्स फ्लैट्स वगैरह नहीं है। बाकी आप बताइएगा इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पता चले कि भाई आपको वीडियो पसंद भी आ रही है या नहीं। मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, बट आपका कोई रिस्पांस नहीं है तो इससे मज़ा नहीं आता ना। अभी हम सिग्नल पे आ चुके हैं, सिग्नल पे आप ट्रैफिक खुद ही देख सकते हैं कितना है। दुबई शारजा में ट्रैफिक का तो पूछ ही नहीं, एक एक बंदे के पास दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं इधर, क्योंकि टैक्स फ्री है और बहुत सस्ती हैं और पेट्रोल भी सस्ता है। तो ये दोस्तों अभी सिग्नल खुल गया है और हम निकल रहे हैं, दुआ करेंगे इसी फर्स्ट सिग्नल में हम निकल जाए। किसी गलत गाड़ी से चलाई है सिग्नल से, इसको अगर शुरता देखता तो फाइन देता। ये अलाउड नहीं है कि आप सिग्नल के टाइम पे लेन चेंज करें। ये स्ट्रेट लेन में था और लेफ्ट की लेन में गए। काफी तरह से लोग मिसयूज भी करते हैं, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, लाजमी फाइन मिलता है। कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पर, रडार लगे हुए हैं, आप कचरा नहीं फेंक सकते गाड़ी से बाहर और सिगरेट नहीं फेंक सकते। तो हाँ दोस्तों, हम अपने ऑफिस पहुंच गए हैं और मोबाइल हीट हो गया था, इस वजह से वीडियो पूरी बन नहीं पाई, तो जो बनी है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। बाकी ये यूज़ गैरेज स्पेयर पार्ट्स कैसे होते हैं ये देखें, सारा सामान ऑयल हर चीज़ होती है। बाकी हम अपने गैरेज पे पहुँच, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और वीडियो इस तरह की बनाऊं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और मैं मेहनत जारी रखूं। शुक्रिया ब्रदर।